और कोई हमारे दोस्त पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले? हेलो कपिल सर जी, सिद्धू सर जी, आपको नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं अशोक अवस्थी, दिल्ली से। अच्छा जी, आपने जो बताया कि एड्रेस अगर आपको मौका मिले कि अगले जन्म में आप अपनी मर्जी से कुछ बन सकते हैं, तो क्या बनना चाहेंगे आप अवस्थी साहब? पहली बात तो मैं, हमारे हाथ में, मनुष्य के हाथ में कुछ है ही नहीं, परमात्मा जो बनाएगा। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि मैं मानव बन जाऊं। और दूसरी बात, अगर मानव के अंदर मानवता नहीं तो बेकार है। इन्हीं को वोट दें, इनकी जीत आपके इलाके की जीत है, आपकी अपनी जीत है। और दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अवस्थी साहब आप करते क्या हैं दिल्ली में? दिल्ली में मैं शिक्षक हूँ। अच्छा जी। जी हाँ। हिंदी टीचर हैं आप? मैं संस्कृत टीचर हूँ। अच्छा, संस्कृत अध्यापक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जिसकी मृत्यु होनी है जिस समय, उसी समय ही होनी है। हाँ, क्योंकि हमारे एक हमारे बाबा जी, जी उनकी डेथ हो गई, तो 2 घंटे बाद उनकी अर्थी लगाने लगे, तो अच्छा। उस समय क्या हुआ, उन्होंने आके खोल दी और उठ बैठे, और अब बाबा जी बियर पी के सो रहे हो। ऐसे उन्होंने बताया, ऐसे तो मैं बहुत बार पुनर्जन्म ले चुका हूँ पिछले एक साल से। बाद में उन्होंने बताया, मैंने पूछा तो जब उठे उन्होंने ये नहीं कहा कि क्वार्टर और मंगाओ। सॉरी, मैं एक्चुअली यमराज की यहाँ भी सारा वही खाता होता है। हाँ जी सर। तो वहाँ पर लाइन लगी हुई थी। अच्छा जी। किसको बुलाया जा रहा, सबको बुलाया जा रहा, आइए। फिर जब हमारे दादा का नंबर आया कि क्या नाम है, उनका नाम श्री गेंदालाल जी था। अच्छा जी। कि इसको बुला लाए, इसको कहाँ से ले आए, इसका अभी नंबर नहीं है, भेजो इसको। जो ही धक्का दिया, यहाँ उनकी आँख खुल गई और उठ गए। कहने का मतलब, परमात्मा के द्वार में सब निर्णय है। मतलब गलती से मर गए थे वो उस टाइम। गलती से पहुंच जाते तो परमात्मा भेज देता। 5700 वोट से जीतेगा तू। पर आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथ में मेरी मैसेज भी आई हुई है। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? ये घर पे भी इतने सीरियस हैं कि कभी रोमांटिक भी होते हैं? हाँ, क्यों नहीं, समाज में दुनिया में आए तो रोमांटिक भी होंगे ना। अक्सर आदमी दुनिया के सामने कम है, ऐसे अकेले कमरे में ज्यादा रोमांटिक। पर बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा सुशांत, गृति हमारे मोहल्ले में ना कुछ लोग हैं, उनको जब पता चलता ना ऐसे कोई फिल्म के आर्टिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से अपने आप को बना के आ जाते हैं। उनकी बातों में मत आना आप, ठीक है? अच्छा। कोई भी आ सकता है एक्चुअली। ओके। पादप बाबू ले जा होशियार, अपनी मोबाइल और अपना पर्स संभाल के रखिए, क्योंकि आ रही है हमारी राजकुमारी सरलावती। धूप में खड़ी बाइक पर बिठा देंगे, फिर जिंदगी भर बैठने के लिए तरस से रह जाओगे। चलो पीछे हटो। अच्छा, आप सबकी जितनी श्रद्धा हो, जो आप देना चाहें राम से, हम सब मिलके इसका इलाज कराएंगे। है तो हमारी अपनी, ये हमारे कबीले की गुप्त भाषा है, सैनिक। राजकुमार तुम हमारे साथ चलो। ए राजकुमार, तुम्हारे साथ क्यों जाएं? तो पहले तो ठेले से टमाटर उठाती थी, अभी आदमी उठाने शुरू कर दिए। और तुम लोग निकलो, चलो, नहीं तो सारी रात बाले बैठाऊंगा, कैसे लेके बैठे। चलो हटो। देखो तुम्हें पता नहीं, लेकिन पिछले जन्म में ये मेरे बॉयफ्रेंड थे। कौन? ये धोखा देकर भाग गए, वो भी इस छोरी की वजह से। शुक्र उन्होंने धोखा दिया, मैं आता मैं धक्का दे दूंगा। तुझे कोई फ्रेंड नहीं बनाता, उन्होंने गर्लफ्रेंड कहां से बना लिया? झूठ बोल रही है। ये पिछले जन्म की बात है, तुम नहीं समझोगे कप्पू। झूठ बोल रही है, पिछले जन्म में तो तू लड़का थी। नहीं, मैं दरभंगा की राजकुमारी थी और ये देवनगर के राजकुमार। अचानक मिले, आंखों से आंखें मिली और फिर इन्होंने कहा, अपना इलाज कब कराओगी ऐसे? नहीं, इन्होंने कहा कि तुम कितनी सुंदर हो। और फिर तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कहा, चलो उठ के बर्तन मांजने का, यही हुआ था ना? चल तुम कुछ भी बोलती हो आगे।
नहीं, ये सपना नहीं सच्चाई है। मैंने इनको देखा, इन्होंने मुझे देखा। इनकी हंसी निकल गई। हसीन लड़कियों को देख के हंसी नहीं निकलती, आह निकलती है। तुम्हें क्या पता? एक मिनट, हेलो बलदेव, पर तुम लोग इसके साथ पत्ते खेलते हो, चलो ठीक है। इसको सुबह सुबह पिलाया मत करो, इधर आके तमाशे करती है फिर ये। ठीक है, फोन रखो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। राजकुमार, आपने इनके लिए मुझे छोड़ दिया, इनके लिए इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? 1990 में सिद्धू बारी सेंचुरी मारने वाले थे, यही बातें सुनकर उन्होंने कहा कि मेरे को खेलना ही नहीं, मैं जा रहा हूं। यही बातें सुन सुन के उन्होंने बैट छोड़ दिया था बीच में। कप्पू, तुम दरभंगा की राजकुमारी के साथ गुफ्तगू कर रहे हो, हम तुम्हें नेस्तो नबूद कर देंगे। नेस्तो नबूद? तुम नाश्ते में दूध पिया कर, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। इतने बड़े बड़े वर्ड बोलती ना, उसी के नीचे आएगी किस दिन। साफ साफ बता कितने पैसे चाहिए तुम्हें। पैसे नहीं चाहिए, इन्होंने हमारे प्यार को चुराए, अब इन पे मुकदमा चलेगा। आप हमारे साथ हमारे महल चलिए। कोई महल नहीं इनका महल, चलिए। ये बाहर फ्रेम ही है, पीछे इन्होंने पूरा वो टेंट लगाया हुआ है। उस दिन आंधी आई ना टेंट टूट के पेड़ पे, तो उस दिन कहती हम तो सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं आज। करला, हमारी मोहब्बत के सामने हमारा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? ऐसे। अरे तुम्हारे पास क्या सबूत है? पिछले जन्म में तुम्हारा बॉयफ्रेंड थे? है सबूत, ये सबूत। ये इसने एडिट करके बनाई पक्का। परसों ना एक बंदर चिप्स खा रहा था, उसके साथ इसने फोटो बना के दिखाई, कहती सी वी आर फ्रेंड्स नाउ गिव मी योर चिप्स। तल्ला ये तू जानबूझ के। मैं पिछले जन्म की बात कर रही हूँ, जब मैं चुपके चुपके इनसे मिलती थी। चुपके चुपके मिलती नहीं थी, मिलके चुप चुप के चोरी कर लेती थी तुम, सब पता है हमको, पागल बनाती है हमको। तुम कब चुप रहो राजकुमार, याद करो मछली की आंख में तीर मार के तुमने मुझे जीता था। अगर इसकी आंख में तीर मार के मछली जीती होती ना, तो हाई प्रोटीन मिलता तुम्हें, साथ में चावल खाते। सरला, क्या मैं इसका मतलब ये समझूं राजकुमार कि तुमने मेरे साथ सिर्फ टाइम पास किया था, मोहब्बत नहीं? रियली? का क्लोजअप देखो तो मूंगफली लग रही हो अभी, पता है? मोहब्बत होती है हसीन लड़की, ऊपर से इंजीनियर, ऊपर से हीरोइन। देखो तुम ना कम बोला करो, तुम जानती नहीं हो मैं तलवारबाजी में एक्सपर्ट हूँ, और यकीन नहीं होता तो मैं नमूना दिखाऊं। देख ही रहे हो नमूना। दिखाओ नमूना फिर, दिखाओ तलवारबाजी दिखाओ। देखो कप्पू, तुम एक वीरांगना का मजाक उड़ा रहे हो। ये हाथ देखो, आग में तप के बने हैं। हाँ तो हलवाई के तंदूर में से रोटियां निकाल के भागेगी तो हाथ तो तपेंगे ही। अच्छा सरला, एक बार बता, बड़ा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन तुझसे पूछता हूँ। क्या? इधर से जाने का क्या मांगता है, कितना लेगी? युद्ध, जो जीतेगा राजकुमार उसका। निकाल तलवार। भाई तैयार हो जाओ, राजकुमारी अब सलाद काटेंगी। लिसन, वो लग रहा था बहुत लंबा। अच्छा, ये जो तलवार है ना, इसके कद से मैच कर रही है। मैंने सोचा लंबी निकालेगी, उतनी ही निकाली है। कवर इतना लंबा है। ये सरला, ये वाला युद्ध नहीं होगा, इतनी बड़ी तलवार उनके पास नहीं है। और दूसरा मुकाबला कर लो, वो जो पैर में गुब्बारा बांध के करते हैं। कर लो, गुब्बारे लेके आओ जरा। ओके, तो आपको ये दोनों गुब्बारे फोड़ने और आपको ये दोनों गुब्बारे फोड़ने और अपने अपने गुब्बारे बचाने भी हैं। इट्स अप टू यू नाउ। युद्ध शुरू किया जाए। I'm proud of you. Actually, मतलब रीच की वजह से धोखा गई, तेरी टांगे छोटी छोटी सी थी, वो लंबी जाके टांग टांग करके गई। हील भी तो था। आजा मेरे बच्चे, चलो चले आजा। फ्लैट हील है। आजा चले आजा, बड़ी मेहनत की है। आजा इधर आ जाओ। It was fun. ऐसे कैसे? मतलब मैं सिंगल हूँ इस जन्म में। देखो अभी राजकुमार को कुछ याद नहीं आ रहा, अमावस्या की रात होगी ना जब भी, उस वक्त आना हाथ में मोमबत्ती लेके, तब उनको याद आएगा। ठीक है, चलो शाबाश। मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होगा, चांद को बोलना 10 बजे तक आ जाए। म्युनिसिपैलिटी का पानी है, 10 बजे तक आ जाएगा जो। अच्छा ठीक है, जाओ और सोच के आओ कल क्या बन के आना है। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू कपिल शर्मा एंड अदर फन शो वीडियो अपडेट्स।